विविधता से जो बात हम कहते आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था, ताकि ये जो है उसके बाद जो आउटकम होगा उसका, उसके बाद इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियासत में जो है इंस्टीट्यूशंस पे बेएतबारियत है, हमको एतबार नहीं रहा है, तो कमीशन को किसी भी सूरत में अगर भी कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइज करनी है वो इतनी शफाफ तरीके से होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि रियासत के लोग दोबारा जो है धोखा ना खाएं, करें और ट्रांसपेरेंट मैनर में करें, क्योंकि वहाँ यहाँ वैसे भी जो है इंस्टीट्यूशन से और दिल्ली के इंस्टीट्यूशन से खासकर पूरा एतबार अब तक बहाल नहीं रहा है। आपने सही फरमाया, क्योंकि हमने जीएमएच से भी बात की है, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि 2024 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था तो कोई डेलिमिटेशन नहीं होगी, ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाकई है। और आज तो ये यही बात उनसे भी कही, देखिए अगर आज की एक्सरसाइज ये करते हैं फिर जब 2026 के बाद पूरे मुल्क में एक्सरसाइज होगी इनको दोबारा करनी पड़ेगी, तो बेहतर ये रहता कि ये रुकें, लेकिन इन्होंने अपना मन बनाया, जो आज भी हमको लगा इन्होंने मन बनाया ही आगे जाएंगे। अब हम कोशिश करके यही कहे इनसे, इन पे इसरार किया कि शफाफत से करें, ताकि इन इदारों पे जो है एतबार बहाल। बायकॉट किया था पीडीपी ने, तो अभी ईडी ने उनको समन भेजा उनकी माँ को, वो पीडीपी अपना जवाब खुद देगी उसके। सबसे पहले उनको बताया कि ये डिलिमिटेशन कमीशन को आज क्यों आना पड़ा। मुख्य सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में ये है, अगर पूरे देश में डिलिमिटेशन 2026 में होना है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आज डिलिमिटेशन क्यों? अगर एक तरफ देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एक विधान एक प्रधान एक संविधान, तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर एक मन में सवाल हुआ कि जब एक विधान एक प्रधान की ओर चल रहे हैं मगर दो डिलिमिटेशन कमीशन क्यों, दो टाइमिंग्स क्यों? पूरा देश 135 करोड़ लोग 2026 में डिलिमिटेशन देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर को 2021 में क्यों देखना पड़ रहा है? और उस चीज पर हमने उनको डिटेल ब्रीफिंग दी और उसके बाद उनने कहा वो पॉलिटिकल पार्ट का हम हिस्सा नहीं है, हमको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहाँ के सारी चीजों को असर न देखने के लिए। फिर उस पर हमने कहा ये ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज आप अगर आगे ले चलेंगे और पॉपुलेशन को यकसान बुनियाद पर, चाहे असेंबली सेगमेंट है चाहे डिस्ट्रिक्टों में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप देखेंगे, हम राय तब दे पाएंगे जब आपका बनाया हुआ खाका हमारे पास आएगा, अदरवाइज हम 5 मिनट या आधे घंटे में आपको सारे जम्मू कश्मीर के नुक एंड कॉर्नर की राय तो नहीं दे पाएंगे। आपने जो तैयार किया होगा एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर आप वो हमें भेजिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें जो राय हमारी देने लायक होगी वो हम जरूर देंगे।